विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले पर 11,101 दीपक जलाकर मंदिर परिसर में रोशनी से सराबोर कर दिया गया। हालांकि सुबह से ही तेज बरसात और तेज हवाओं के कारण दीपक जलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आस्था के आगे मंदिर के मुख्य हाल परिसर में दीपक को जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मिलकर दीप उत्सव मनाया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले पर 11,101 दीप जलाकर मंदिर परिसर रोशनी से सरोवर कर दिया। हालांकि सुबह से ही तेज बरसात और तेज हवाओं के कारण दीपक जलाने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आस्था के आगे मंदिर के मुख्य हॉल परिसर में दीपक को जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मिलकर दीप उत्सव मनाया। इस दीपो उत्सव का मुख्य आकर्षण ओम की आकृति का बनाना और साथ में भारत माता का नक्शा बनाना तो उनका सौंदर्य देखते ही बन रहा था। हर कोई इस पल को यादगार बनाने के लिए अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं ने जहां इस दीप उत्सव कार्यक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, वहीं पर सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से कार्यक्रम दीप उत्सव कार्यक्रम शेयर किया। हालांकि इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा भी दीपक जलाने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी दीपक जलाकर इस कार्यक्रम में हाजिरी लगवाई। हालांकि स्थानीय पुजारी वर्ग ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक दीपक जलाकर अपनी खुशी व्यक्त किए। स्थानीय पुजारी वर्ग में पुजारी आनंद गोपाल, पुजारी चंडी शर्मा, पुजारी संदीप शर्मा, पुजारी हनी शर्मा ने दीपक जलाए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश में किए जा रहे हैं, जो न्यायालय का फैसला आया है और राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों के दिलों में जो खुशी है उसे दीपक जलाकर व्यक्त किया जा रहा है। नैना देवी जी के परिसर में भी यहाँ की स्थानीय जनता के सहयोग से 11,000 दीपक जलाकर सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। मैं आयोजकों का और यहाँ की जनता का भाग लेने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। राम मंदिर निर्माण का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका देश की जनता ने खुले दिल से समर्थन किया है, उसका स्वागत किया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जगह जगह दीपक जलाकर उसी का जो है वो उसको प्रदर्शित किया गया है। आज यहाँ माँ नैना देवी जी के परिसर में भी यहाँ की स्थानीय जनता के सहयोग से 11,000 दीपक जलाकर सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। मैं आयोजकों का और यहाँ की जनता का भाग लेने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।